हेलो गाइस, वेलकम बैक sikha.scs। यहाँ पर पार्ट थ्री हम देखेंगे हिस्ट्री का जो एमसीक्यू है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आई होप कि पहले के दो सेशन आपको अच्छे लगे होंगे। ओके, इस पे क्या रिस्पॉन्स है प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा, और अगर देख रहे हैं या देखिएगा जब भी तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, इससे हमें और भी बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक ग्रंथ हैं, इनमें से कौन कौन से उत्तर वैदिक ग्रंथ हैं? यानी कि उत्तर वैदिक ग्रंथ की बात करें तो ऋग्वेद तो हमारा उत्तर वैदिक ग्रंथ नहीं है, क्योंकि ये वैदिक ग्रंथ कहा जाता है। तो ए ऑप्शन गलत हो गया, तो यानी कि सी भी गलत ही होगा, उपयुक्त दोनों नहीं होगा, और ए बी में से कोई नहीं। तो अभी इसका देखते हैं। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये हमारे उत्तर वैदिक ग्रंथ हैं, क्योंकि ये ऋग्वेद के बाद लिखे गए थे, इनकी रचना की गई थी। तो हमारा बी ऑप्शन सही है, तो करेक्ट ऑप्शन है बी। दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो कृषक व पशुपालक वर्ग किसके अंतर्गत आते हैं? यानी कि अगर महाजनपद काल की हम लोग बात कर रहे हैं तो वहाँ पर कृषक और पशुपालक वर्ग की बात करें तो वो किसके अंतर्गत आते हैं? तो शूद्रों का काम तो दूसरों की सेवा करना था, तो ये तो आएंगे नहीं उसमें। वैश्य की बात करते हैं तो ये वाणिज्य का काम करते थे, और कृषक और पशुपालक वर्ग कहीं ना कहीं वाणिज्य के काम भी आते हैं। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी ये दोनों तो करेक्ट होंगे ही नहीं, क्योंकि इनका काम था ही नहीं। ठीक है, क्षत्रिय का काम था युद्ध लड़ना, और ब्राह्मण का काम था ज्ञान देना, वेद और यज्ञ करना, पूजा पाठ करना। वेदों, थर्ड क्वेश्चन की ओर मूव करें तो वेदों के अध्ययन का अधिकार किन्हें प्राप्त नहीं था? किन्हें प्राप्त नहीं था? तो ये हम सभी जानते हैं कि शूद्रों को अधिकार प्राप्त नहीं था। ठीक है, तो उक्त दोनों ये भी गलत ही होगा। अब बात करते हैं बी, तो महिलाओं को ज्ञान था कि नहीं? एक मिनट, उक्त दोनों अभी नहीं कह सकते कि ये सही होगा कि गलत होगा। ठीक है, महिलाओं को ज्ञान था, महिलाओं को इसका अधिकार था कि नहीं? तो महिलाओं को भी इसका अधिकार नहीं था, यानी कि इन दोनों को ही अधिकार, ए और बी को नहीं था। तो इसमें लिखा है कि वेदों के अध्ययन का अधिकार किन्हें प्राप्त नहीं था, तो नहीं था, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है कि उक्त दोनों यानी शूद्र और महिलाओं दोनों को वेदों के अध्ययन का अधिकार प्राप्त नहीं था। ओके, बात करें तो इसमें है जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है, मतलब कि जनपद का मतलब क्या होता है? तो जन के बसने की जगह, तो जन के बसने की जगह तो होगा ही जनपद। केवल दासों के रहने का जगह, ये स्थान ये तो नहीं है। केवल महिलाओं के रहने का स्थान, यानी देखिए यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि वर्ड क्या यूज़ कर रहा है, केवल कह रहा है, केवल कह रहा है, और यहाँ भी केवल कह रहा है पशुओं के रहने की जगह। तो यानी कि ये तीनों ही ऑप्शन हमारे नहीं होंगे। ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा? ए ऑप्शन करेक्ट होगा, जन के बसने की जगह को हम जनपद कहते हैं। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन देखें तो महाजनपदों के कर के संबंध में निम्न में से कौन सत्य है? यानी कि महाजनपद में जो कर वसूल किया जाता था या कर जो देते थे, उनके संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? तो पहला है, कृषक उपज का 1/6 यानी 1/6 हिस्सा कर के रूप में देते थे, भाग कहा जाता था। मतलब ये जो कर देते थे इसको भाग कहा जाता था। तो ये सही है कि जो कृषक होते थे उपज का, वो अपना 1/6 हिस्सा कर के रूप में देते थे, और उस हिस्से को भाग कहा जाता था। कारीगर की बात करें तो कारीगर में बुनकर, लोहार और सुनार आते थे। इनको कर देने के लिए राजा के लिए मतलब कर के लिए राजा के लिए महीने में एक दिन बिना वेतन के काम करना होता था। यानी कि महीने में एक दिन जो भी कारीगर होते थे उनको कर के रूप में एक दिन मुफ्त में काम करना होता था। तो ये भी कथन सत्य है। तीसरे की बात करें तो पशुपालकों के पशुओं या इनके उत्पाद के रूप में कर देना होता था। यानी कि या तो वो पशुओं को कर के रूप में दें, या फिर इनसे प्राप्त जो उत्पाद होते थे, ठीक है, जैसे कि ऊन प्राप्त हो गई भेड़ से, या फिर पशु जो भी उनका मांस हो गया, इस तरीके से जो भी प्राप्त होता था उनको उत्पाद कहेंगे। तो ये भी देते थे वो, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। आखेटक तथा संग्राहक को जंगल से प्राप्त वस्तुएं कर के रूप में देनी होती थी। आखेटक जो शिकार करते थे और संग्राहक जो संग्रह करते थे मतलब कि अनाज का या फिर फूलों का, इस तरीके से, तो उन्हें जो जंगल से वस्तुएं प्राप्त करते थे उन्हें कर के रूप में राजा को देना होता था। तो ये भी एक सही ऑप्शन है। तो अभी तक हमने देखा कि चारों सही है,
नेक्स्ट जो 5 ऑप्शन है उसमें क्या है, व्यापारी को भी कर देना होता था, यानी जो व्यापारी उस टाइम पे होते थे उन्हें भी कर देना होता था। तो ये भी ऑप्शन सही है, यानी कि आप देखिए तो पांचों ही सही है। तो यानी यहाँ पर आप देखिए डी ऑप्शन सभी सत्य हैं, यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन, महाजनपद काल के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। अब महाजनपद के बारे में क्या कथन सत्य है वो बताना है। तो हल के फाल लोहे के बनने लगे थे, इस टाइम पे लोहे का जो है वो चलन हो गया था, क्योंकि हमने ऋग्वेद में पढ़ा था, वहाँ पर लोहे की कुछ चीज़ें हमें मिली थी, तो ऋग्वेद काल से हो गया था आरंभ लोहे के ज्ञान का। तो यहाँ पर अगर देखें तो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। दूसरा देखते हैं, धान के पौधे का रोपण प्रारंभ हो गया था, हाँ इसी काल में, मतलब महाजनपद काल में ही धान के पौधों का रोपण प्रारंभ हो गया था। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ था कि जब हम धान सीधे बोते थे तो उसमें बहुत कम जो हैं पौधे बच पाते थे, यानी वो अधिकतर नष्ट हो जाते थे। लेकिन जब हमने धान के पौधे, जो आज भी प्रचलन में है, धान का सीधे धान नहीं बोया जाता है, उसके पौधों को हम क्या है खेतों में लगाते हैं, एक जगह पर पौधे उगा लेते हैं या फिर मार्केट से उन्हें परचेज करके फिर हम खेतों में सीधे पौधे लगाते हैं, ठीक है। तो ये जो धान के पौधों का रोपण प्रारंभ हुआ था वो महाजनपद काल से ही प्रारंभ हुआ था, तो बी ऑप्शन भी इसका करेक्ट है। अब ये देखते हैं, गेहूं के पौधों का रोपण प्रारंभ हो गया था, तो गेहूं के पौधे की ज़रूरत तो कभी पड़ी ही नहीं रोपण की, क्योंकि गेहूं के बीज जो है उनको ही अगर हम खेतों में बो दें या छिड़क दें तो उससे ही हमारे गेहूँ जो है निकल आते हैं। आज भी इसी का चलन है कि गेहूँ के पौधे हम नहीं बोते हैं, गेहूँ के जो बीज होते हैं वही हम खेतों में लगाते हैं। तो सी ऑप्शन जो है वो गलत है। अगर बात करें डी ऑप्शन की तो केवल ए और बी, और यहाँ पर देखें तो ए और बी हमारा ऑप्शन सही है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। 7th क्वेश्चन की बात करें तो 7th क्वेश्चन में है, इनमें से कौन से कथन मगध के संबंध में सही है। तो ध्यान रखिएगा, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा कि क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि यहीं पर मिस्टेक होती है कि हम ध्यान नहीं देते हैं कि क्या किसके बारे में पूछ रहा है। कभी कभी ये भी हो जाता है, सत्य की जगह पे असत लिखा होता है, तो माइंड में ये होता है कि कौन सा सत्य है और हम गलत टिक लगा लेते हैं। तो एक बार क्वेश्चन को जरूर ध्यान से पढ़िएगा। ओके, तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा मगध के बारे संबंध में सही है। तो बिम्बसार और अजातशत्रु मगध के शक्तिशाली शासक थे, ये सभी को पता है कि बिम्बसार और अजातशत्रु जो है मगध के शक्तिशाली शासक थे। इन्हीं के काल में आप देखिए तो बुद्ध का भी जो है, गौतम बुद्ध के भी प्रमाण मिलते हैं बिम्बसार और अजातशत्रु के, तो ये वाला सही है। महापद्म नंद जो थे महत्वपूर्ण शासक थे, ये भी जो थे महत्वपूर्ण शासक उस टाइम पे हुआ करते थे मगध के। राजगृह पाटलिपुत्र मगध की राजधानी थी, अच्छा ये दोनों यहाँ पे दिए हुए हैं, तो अगर आप नोटिस करें तो पहले राजगीर राजधानी हुआ करती थी मगध की, बाद में पाटलिपुत्र को राजधानी बना लिया था, और उदयनारायण ने जो है पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। ओके, तो यहाँ पर मगध की राजधानी जो है वो दोनों ही हुई, राजगृह और पाटलिपुत्र। अब यहाँ पर अगर बात करें 4th ऑप्शन की, तो लौह अयस्क की खदानें थी, यानी कि मगध में लौह अयस्क की खदानें थी उस टाइम पे, क्योंकि जो लोहे के हल, यहाँ पर लोहे के फाल जो हैं, हल के फाल लोहे के बनने लगे थे महाजनपद काल में, तो ये महाजनपद काल उस टाइम पे हुआ करता था, यानी कि इसका ऑप्शन 4 भी करेक्ट है कि लौह अयस्क की खदानें उस टाइम पे थी। पैदल रथ व हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी, ये तो मगध काल में हाथियों को जंगलों से लाया जाता था और उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता था, देन उसके बाद युद्ध में इसका उपयोग किया जाता था। तो पैदल रथ और हाथियों की उस समय बहुत बड़ी सेना थी, क्योंकि उस टाइम पे जो आक्रमण कर रहा था वो सिकंदर, उस टाइम के प्रमाण मिलते हैं कि उसकी सेना इसी वजह से डर गई थी कि भारतीयों के पास बहुत बड़ी सेना पैदल रथ और हाथियों की है, तो उसकी सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था, तो इस बात का भी प्रूफ उस बात से भी मिलता है। नेक्स्ट है, गंगा और यमुना नदियाँ मगध से होकर बहती थी, तो ये यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यमुना नहीं बहती थी, सोन बहती थी। तो जो 6 ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट है, 1, 2, 3, 4 और 5, 6 नहीं है। ओके,